अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ आपके सामने हूँ। और सहाफ़ी का काम सिर्फ खबर देना नहीं होता, खबरदार करना भी होता है। और खबरदार करने की हमारी हिम्मत इसलिए पैदा होती है कि हम जो रियलिटी या फैक्ट्स देख रहे होते हैं ऑन ग्राउंड, वो हमें बार बार वसवसे पैदा कर रहे होते हैं हमें कि हम किस तरफ जा रहे हैं और क्या क्या होने वाला है। और उससे कुछ मिलती जुलती चीज़ें जब दूसरे ममालिक में होती हैं तो हमें लगता है कि हमें उनसे सबक सीख लेना चाहिए। आज हमने देखा है जी, बांग्लादेश में एक बड़ा हिस्टोरिक मूव हमने देखी कि शेख हसीना वाजिद साहब 45 मिनट का उनको वक्त दिया गया था, और उसके बाद वो उन्होंने एक आखिरी तकरीर भी करना चाहिए, रिकॉर्ड करवाना चाहिए, लेकिन वो हो ना सका और वो अपने प्राइवेट प्लेन में भारत रवाना हो गई। अब खैर वो भारत पहुंच भी गई हैं, लेकिन हम जरा शुरू करते हैं इसको। तो आपको पता होगा 1971 की जंग जो थी, जाहिर है कि वो एक एक स्याह दाग है हमारी हिस्ट्री के लिए, और इट वॉज नॉट अ वेरी प्लेजेंट साइट। अब एक मुल्क तो टुकड़े हुआ, उसके बाद जाहिर है अलग से बांग्लादेश बना। बांग्लादेश ने बहुत जल्दी तरक्की की, बहुत जल्दी जमहूरियत उनके उनके यहाँ पे पनपने लगी, बहुत जल्दी उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया। और ये याद रहे कि 71 to 75 शेख मुजीबुर रहमान जी की हम बार बार बात करते हैं, हीरो, कभी उनको इमरान खान साहब हीरो बनाते हैं, कभी ज़ीरो बनाते हैं, तो खैर वो ही मुजीबुर रहमान साहब थे, शेख मुजीबुर रहमान साहब, जो कि सन 1975 में उनको उनके धान मंडी हाउस में, यानी कि धान मंडी उनका एक इलाका था, उसके अंदर घुस के एक मिलिट्री बैक्ड असैसिनेशन था और वो उनको मार दिया गया। मिलिट्री बैक्ड असैसिनेशन, किल्ड शेख मुजीबुर रहमान। उसके बाद अगर उनकी बेटी उस वक्त, यानी कि जो शेख हसीना वाजिद साहब हैं, अगर वो उस वक्त मौजूद होती बांग्लादेश में, तो ऐन मुमकिन है कि उनकी भी हलाकत हो जाती। मगर वो क्योंकि मुल्क में नहीं थी, और फॉर्चुनेटली नहीं थी, और फिर वो 6 साल मजीद वापस नहीं है। फिर 1981 में शेख हसीना वाजिद साहब वापस तशरीफ लाई और उन्होंने पहला अपना इलेक्शन लड़ा। उसमें बांग्लादेश नेशनल पार्टी की उनकी अपोनेंट थी खालदा जिया साहिबा। उसके बाद ये सारा मामला इस तरह चलता रहा। 2007 तक उन्होंने जिस तरह से कर सकती थी डिक्टेटोरियल जो जो स्टेप्स वो ले सकती थी हसीना वाजिद साहब, उन्होंने लिया। हमने बहुत सारी औरतों को एज पॉलिटिशियंस बनते देखा है, जुसिंडा आर्डन है, एंजेला मर्कल हैं, देर आर वेरी मेनी एग्जाम्पल्स, बेनजी भुट्टो थी। बट जिस जिस तरह की शेख हसीना वाजिद साहबा की एक शख्सियत का खासा नज़र आता है, जो उनकी सियासत में नज़र आता है, जो बांग्लादेश में नज़र आने लगा था, जिसकी वजह से आज उनकी ये हमने देखा है, द फॉल ऑफ शेख हसीना इज़ बिकॉज ऑफ हर दिस डिक्टेटोरियल माइंड सेट। बिकॉज उनको लगता था कि वो कुछ भी कर सकती हैं और कुछ भी कह सकती हैं। और ये मामला हम प्लीज़ आपको बता दें कि ये इस वक्त क्या हुआ था। इस वक्त ये हुआ था कि जो उनकी पार्टी है, उन्होंने डिसाइड किया कि 30% कोटा जॉब्स का उनको दिया जाएगा जो सन 71 की वॉर में लड़े थे। और वो सन 71 की वॉर में कौन लड़ा था, वो भी इन्हीं की पार्टी डिसाइड करेगी। तो ये मतलब कोई अजीब सा काम था, जिसके ऊपर जाहिर है कि हमारा यूथ, जो हम कहते हैं यूथ बल्ज है और यूथ बहुत अग्रेसिव हो सकता है, तो हमने इसका मुजाहरा फिर हमने बांग्लादेश में देखा। और ये बात कुछ महीने से चल रही थी, पहले 24 मारे गए, फिर 80 मारे गए, फिर 100 लोग मारे गए। इन्होंने यंग लोगों को मारने की ऑर्डर दिए, पुलिस को दिए कि इनको किसी तरह से कुचल दिया जाए, इनकी मांगे पूरी नहीं हों और ये बस इनका सर कुचल दिया जाए। ये डिक्टेटोरियल रिजीम्स करती हैं, बातचीत है ही वाहिद रास्ता है जो जमहूरियत को मजबूत करता है, जो लोग आपस में बैठ के बात कर लेते हैं, मामले को रिजॉल्व कर लेते हैं, किसी को मारने से, एक जंग अजीम पैदा करने से कभी भी कोई हालात बेहतर कहीं किसी के नहीं हुए। नो बडी हैज एवर वन अ वॉर। सो उसके बाद हम देखते हैं कि अब इन्होंने जाहिर है कि बहुत सारी दफ़ा इन्होंने ये किया कि इन्होंने बहुत खालदा जिया साहब के साथ, तो इनकी ऐसी क्या कहते हैं, मतलब तो बहुत ही कोई इनकी अनबन थी कि वो कहते थे बैटल ऑफ द बेगम्स इज ऑन। और फिर खालदा जिया साहिबा को करप्शन चार्जेस पर बहुत ही लंबी सज़ा, 19 साल की सज़ा दी गई। उसके बाद को 10 साल बाद जिन्होंने सज़ा दी थी, शायद उनके दिल में रहम आ गया, कोई सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया, तो उन्होंने कहा चलें 6 महीने आप अपने घर में गुजार लें ये नज़रबंद होके। तो वो 6 महीने 5-8 सफ़ा
नेगोशिएट हुए, तो वो 6 महीने 6 महीने 6 महीने करते करते हम इस वक्त तक आ गए हैं कि वो अभी भी अपने घर में नज़रबंद हैं और किसी से ज़ाहिर मुलाकात नहीं कर सकती। उसके बाद हम अगर देखें तो अवामी लीग जिसको अपना वोट बढ़ाने का ये तरीका उन्होंने अपनाया था, ये 30% कोटा जॉब्स यूथ को देकर उन्होंने इसका हाल तो देख ही लिया। लेकिन हमें ये भी आपको बता दें कि बांग्लादेश में ना सिर्फ ये कि कॉर्पोरेट बल्कि प्राइवेट मुलाजमतें भी बहुत पे करती हैं, लेकिन एलाइड बेनिफिट्स बहरहाल कॉर्पोरेट के ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जी अब हम एक अजीब सा ट्रेंड देख रहे हैं साउथ एशिया में। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आप साउथ एशिया में एक ट्रेंड देख रहे हैं जिसमें आप देखते हैं कि जो जमहूरियत पसंद लोग हैं वो डिक्टेटोरियल हो जाते हैं, और जहाँ पे जमहूरियत का बोल बाला होना चाहिए वहाँ जमहूरियत नहीं होती, और वाइस वर्सा। विच मीन्स दैट साउथ एशिया में कोई अजीब ट्रेंड ये चल पड़ा है कि कहने को आप जमहूरियत पसंद हैं लेकिन आप डिक्टेटोरियल तरीके से आप अपना मामला चलाते हैं। और हमने देखा कि जिस तरह से वाजिद साहबा ने अपने आप को मनवाने की कोशिश की, पावर में रहने के लिए उन्होंने जो 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 काम इकदाम किए वो सारे डिक्टेटोरियल रिजीम्स में होते हैं, जैसे कि मीडिया को कर्व करना, मीडिया को सेंसर करना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को छीन लेना, लोगों को अरेस्ट कराना, जमात इस्लामी को परसिक्यूट करना, यहाँ तक कि 70-70 साल के बुजुर्ग लोगों को फांसी पे लटका देना, और उसके बाद के मतलब ऑपोजिशन को कोई हक ना देना, उनको बिल्कुल ही मार्जिनलाइज कर देना कि वो कोई बात ना कर सकें। ये सब चीजें हम आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये हमारे मुल्क में भी हो रही हैं, जहाँ पे हम ये फैसले कर लेते हैं कि हमने ये करना है और ये नहीं करना है और इसको बिहाइंड बार्स डालना है या नहीं डालना है। तो जो बैटलिंग बेगम्स वाला जो सफर था वो उन्होंने अपने मुल्क में भी अपनाया, और अपने मुल्क के साथ भी उनका एक एक अनथक जंग ही रही जो चलती रही, और उसका वाज़े तौर पर आज अख्तिताम हुआ। और ये बात सोचने की है कि आप जितने भी जमहूरी हों और आप जितने भी जमहूरियत के पर्दों में, 100 पर्दों में भी जमहूरियत के छुप जाइए, आपके अंदर का डिक्टेटर जब जब उसकी बारी आती है तो उसको सियासत से अलहदा होना ही पड़ता है और मुल्क बदर भी होना पड़ता है। अब पता नहीं कि कौन सी डील के बदौलत वापस आ सकेंगी या नहीं आ सकेंगी, लेकिन भारत वो जा चुकी हैं, इंटरिम सेटअप बनाया जाएगा, और अभी तक की इतलात यही हैं कि सदर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है बांग्लादेश के वो बैठ के बात कर रहे हैं, इंटरिम सेटअप बनाएंगे। और हमने आज एक बहुत बड़ी शख्सियत का, बहुत बड़ा स्टैचू शेख मुजीबुर रहमान का आज हमने देखा कि कैसे उन बच्चों ने उस पर चढ़कर उसको तोड़ा। तो नोबडी इज इनविंसिबल, एंड नो कहते हैं ना, हवा किसी की नहीं, सबका वक्त आएगा, क्योंकि हवा सबके चिराग बुझेंगे क्योंकि हवा किसी की भी नहीं है। और ये बात हमें याद रखनी चाहिए आखिर में आपको सिर्फ एक मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए कि क्या हम वही तो नहीं कर रहे जो वहाँ हो रहा है क्या हो रहा था? क्या हम लोगों को अब आप देखें तो वेस्टर्न मीडिया ने फौरी तौर पर कहना शुरू कर दिया, जैसे अरब स्प्रिंग थी, ये जो है वो एशिया स्प्रिंग है। आई थिंक इट्स अ लिटिल प्रीमेच्योर टू से दैट, बट आई ऑल्सो थिंक दैट सिर्फ छोटी सी बात पे इनकलाब आ सकता है। छोटी सी बात हुई थी तो अरब स्प्रिंग हुआ था, छोटी सी बात होगी तो शायद एशिया स्प्रिंग भी हो जाए। तो इसलिए छोटी छोटी बातें जो लोगों को लगती रहती हैं, एक दिन लोग इकट्ठे होते हैं और फिर उनको रोकने वाला कोई नहीं होता। एंड दिस यूथ कुड नॉट बी स्टॉप्ड, एंड इट डजेंट सीम लाइक वी विल लर्न फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, और मे बी वी विल, बट लेट्स होप सो। एंड दैट्स ऑल फॉर मी फॉर नाउ, सी यू लेटर।